Prime Minister of India Narendra Modi, speaking at a rally in Mumbai, said political parties were making baseless comments and politicizing the issue of ceasefire violations by Pakistan. He said when Mumbai was attacked, then it was the BJP which had called for a rough stand against Pakistan and had talked of all support to the erstwhile Congress led UPA who were then in power. जब मुंबई पे आतंकवादियों ने हमला बोला, उस समय भी देश में चुनाव चल रहे थे, और उस समय हमने कहा था ये हमला मुंबई पर नहीं है, ये हमला हिंदुस्तान पर है, ये हमने कहा था, और हमने कहा था कि पाकिस्तान को उसी रूप में जवाब देना चाहिए। हमने उस समय जो सरकार सत्ता में थी, चुनाव के दिन थे, लेकिन उस घटना का राजनीतिकरण नहीं करने दिया था। हमने उसको राष्ट्रीय मुद्दा माना था और सरकार के साथ खड़े रहेंगे, ये हमने सार्वजनिक रूप से कहा था। इन दिनों पाकिस्तान के विषय में अनाप शनाप राजनीतिक बयान दे रहे हैं, ये आपको शोभा देता है क्या? और आप ये चाहते हैं क्या कि प्रधानमंत्री भी बयानबाजी करे? आप मुझे बताइए, मोदी ने जवाब देना चाहिए कि सीमा पर बैठे जवान ने अपनी उंगली से ट्रिगर दबा करके जवाब देना चाहिए? कौन सा कौन जवाब दे मुझे बताइए, कौन जवाब दे? जवान दे या ना दे? उसकी उंगली जवाब दे कि ना दे? ट्रिगर जवाब दे कि ना दे? दे रहा है दोस्तों, दे रहा है। प्रधानमंत्री को जवाब देना पड़े वो नौबत आने वाली नहीं, आप विश्वास रखिए दोस्तों, ये दम है सरकार में। मुझे बताइए, पेट्रोल का दाम कम हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? डीजल का दाम कम हुआ कि नहीं हुआ? महंगाई बढ़ती रुक गई कि नहीं रुक गई? ये आप बोल रहे हैं ना, आइए बाहर भी बोलिए, सिर्फ मुझे मत सुनाइए। कोई अच्छा डॉक्टर होता है, किसी को बुखार आता है तो पहले क्या करता है? अच्छा डॉक्टर पहला काम ये करता है कि बुखार बढ़ना नहीं चाहिए, पहला काम ये करता है, बुखार को रोको पहले, उसको स्टेबल करो, फिर नीचे उतारता है। हमने बुखार, महंगाई के बुखार को अटका दिया है, अब ये बुखार नीचे उतरेगा, पक्का उतरेगा। जापान गया, उसने वादा किया $3 ट्रिलियन हिंदुस्तान में पूंजी निवेश करेगा। चाइना के राष्ट्रपति आए थे, उन्होंने कहा $20 बिलियन। अभी अमेरिका गया, वहां के उद्योगकारों ने कहा $42 बिलियन। करीब $100 बिलियन अगर महाराष्ट्र में अच्छी सरकार बनी, पूर्ण बहुमत वाली बनी, भाजपा की सरकार बनी, तो ये रुपये खींचने की ताकत जिसमें होगी वो राज्य ले जाएगा, विकास की नई ऊंचाइयों को पार कर जाएगा। भाई, पावर्ड बाय NNIS।